रोशनी पड़ी थी तो एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 13, ठीक है ना? अभी सही हो जाएगा, लाइट आ जाएगी तो वही चीज जल लेंगे, इसलिए यहाँ पे फोकस आ रहा है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। मोजले के पीरियड टेबल के बारे में डिटेल हमने देख ली थी, वही पीरियड टेबल के बारे में थोड़ा हम एक तो फीचर्स देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो मैं क्या बोल रहा था, मैंने क्या फीचर्स लिखवाए थे कि देखो यहाँ पे जो नीचे की तरफ एरो है ना, ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, पीरियड्स है। कितने पीरियड्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में, 7 पीरियड्स होते हैं। देखो 7 लिखे हुए हैं ना, और 13 ग्रुप्स होते हैं। देखो यहाँ पे एक ग्रुप लिखे हुए हैं, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ, ये 13 नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा लाइट पड़ रही है, पर अभी सही हो जाएगा। बाकी होते कितने, 18 ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ये भी ग्रुप्स है, ये पीरियड्स है। अब देखो मैं क्या, मैं पूरा पीरियड टेबल लिखता हूँ यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे। देख मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ सबसे पहले आता है क्या, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट के फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में। अब ब्लू पेन से करते हैं, ब्लू पेन से करते हैं। फिर क्या ट्रिक थी यहाँ से लीना ने की, रब से फरियाद, ठीक है, ग्रुप पीरियड के सामने आ रहे हैं, ये सब पीरियड के सामने है। फिर देखो देखना क्या है सीरीज में, क्या याद रखना है। देखो याद रखने वाली बात, ये फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन रहता है, देन सेकंड में लिथियम आता है। फिर जो सेकंड ग्रुप हमारा चालू होता है, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन से चालू होता है, सेकंड ग्रुप कहाँ से चालू होता है, देखो ये लोकेशन याद होना चाहिए, सेकंड ग्रुप कहाँ से चालू होता है, यहाँ चालू होता है, ऊपर कुछ नहीं रहता है ना, बी से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार, सफारी स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। क्या लिख रहा हूं मैं, सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ ना, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब देखो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप कहाँ से चालू होता है, थर्ड, देखो ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं ना, ये इधर जो लाइन से लिखे हैं ग्रुप्स लिखे हुए हैं, इसको क्या करते हैं हम ब्लू सर्कल लगा देते हैं, समझ में आएगा। जितने ब्लू सर्कल लगे हुए सब क्या है, ग्रुप्स है। हाँ कहीं तो आप ज्यादा, अब क्लियर दिखेगा। देखो ब्लू सर्कल जितने ही मैं लगा रहा हूँ ना, ये सब क्या हमारे ग्रुप्स हैं। पूरी पीरियड टेबल याद करना है, ठीक है ना? पीरियड टेबल याद नहीं होगी तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। पीरियड टेबल याद है ना तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन खाली पीरियड टेबल मन में याद आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट्स कहाँ है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखो एटॉमिक नंबर मेरे को बताना है, इसलिए इतना लिख रहा हूँ, है ना, जो सर्कल लगे हुए हैं सब क्या है, ग्रुप्स हैं, क्लियर दिख रहे हैं ना। चलो अब देखो, देखो हमारा फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप कहाँ से चालू होता है, फोर्थ पीरियड से चालू होता है, यही सब याद करने वाली बात है। थर्ड ग्रुप कहाँ से चालू होता है, फोर्थ पीरियड से चालू होता है, सेकंड ग्रुप कहाँ से चालू होता है, सेकंड पीरियड से चालू होता है। यहाँ ऐसा बॉक्स बना देते हैं, ये सब क्या है, पीरियड्स है। जितने बॉक्स बने हुए पीरियड्स और सर्कल बने हुए वो ग्रुप्स है। ये हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है, मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। अब देखो याद करने वाली बात क्या है, कि सेकंड ग्रुप हमारा ये सर्कल वाला ग्रुप है, सेकंड पीरियड से चालू होता है, थर्ड ग्रुप कहाँ से चालू होता है, फोर्थ पीरियड से। देखना कैसे याद करना है, कोई अपनी ट्रिक बना लो, मैंने ऐसे रेंडम याद करी है। शक्ति वक्त मन पे को नहीं कूजन, ऐसे रेंडम याद कर दिया है ना, शक्ति वक्र मन पे को नहीं कूजन, मैंने ऐसे उटपटांग ट्रिक बना लिया। बाकी इधर की अच्छी है, देखो
ये अब नीचे उतरते हैं। देखो याद कैसे करना है, पीरियड टेबल दिमाग में रखना हमेशा। जो हमारा एस ब्लॉक रहेगा पी ब्लॉक रहेगा, इसको लेंथ वाइज याद करना। कैसे? लीना निकी रफ सफरियाद पेटा मांगे कार सफारी बापरा इसको नहीं पता लिख लो। कैसे याद करना है? लेंथ वाइज, किसको किसको? फर्स्ट और सेकंड पीरियड को, और याद 13 से लेके 18। लेकिन जो हमारे सॉरी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हमको लेंथ वाइज याद करना है, 13 से लेके 18 ग्रुप को लेंथ वाइज याद करना है। लेकिन जो हमारा ग्रुप 3 से ग्रुप 12 है इसको कैसे याद करना है? ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल के हिसाब से याद रखना है। क्लियर हो गया? चलो देखो क्या ट्रिक है नेक्स्ट लाइन की। यार जरा नरेंद्र मोदी थके नहीं रुके नहीं रा पकड़े आगे चढ़े, ऐसा है ना कुछ याद कर लिया जाता है। यार जरा नरेंद्र मोदी थके नहीं रुके नहीं रा पकड़े आगे चढ़े, ऐसा है। फिर आओ ला हफ्ता वरना रईस इरफान और उसामा पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, ये सब लाइन से याद रखना है। जैसे 11th ग्रुप में क्या क्या आता है? कॉपर एजी और एयू गोल्ड। अब यहाँ पे खाली एक्टेनियम याद कर लो, बाकी मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, इतना याद हुआ। अभी कल एक ट्रिक याद की थी ना, ये वहां से यहाँ से वो कंटिन्यू हो जाएगी। अभी इतना याद होना चाहिए है ना, याद कर लो। अब देखो 13 में मैं जा रहा हूँ, मैं लेंथ वाइज लिखूंगा कहाँ कहाँ ग्रुप्स आ रहे हैं। जैसे फोर्थ ग्रुप में क्या क्या आ रहा है ना, टाइटेनियम जर्कोनियम हाफेनियम। ये थर्ड ग्रुप में क्या आ रहा है, मैंने लिखवाया था ना वहां पे कि थर्ड ग्रुप। देखो मैंने एक अभी कल लिखवाया था ना कि कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट रहते हैं। मैंने बताया था ना थर्ड ग्रुप में क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि 1 2 3 4 तो डी ब्लॉक के हैं। यहाँ पे हमारा लेंथेनियम लेंथेनाइट चालू होते हैं, यहाँ से एक्टिनाइट चालू होते हैं जो कि 14 14 रहते हैं। तो 14 14 28 और +4 कितने 32 मैंने कराए थे ना। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? थर्ड ग्रुप होता है, इसीलिए मैंने बताया था। अभी फिर देखते हैं। हाँ आओ 13 से लिखे। 13 ग्रुप देखो कहाँ से चालू होता है? सेकेंड पीरियड से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? सेकेंड पीरियड से चालू होता है। मतलब मैं यहाँ से नहीं लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा सेकेंड पीरियड की लाइन में लिखूंगा। तो ये क्या है? बाल गंगा इन तिलक। 14 का क्या है? कहे सीता जी सुने पार्वती। 15 का क्या है? नहीं पता आज सब भी। 16 का क्या है? उस से टी ओ। 17 का क्या है? फोन कॉल बारात आई एस्टेटेनियम। यहाँ पे देखो ये ऐसे नहीं भी लिखोगे, जरूरी नहीं रहता। यहाँ पे देखो क्या है, अभी थोड़ा मैंने इसको तिरछा लिख दिया सही जगह। बाल गंगा तिलक कहे सीता जी नहीं पता सब भी उससे टीपो फोन कॉल बनाता है। देखो ऊपर अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे आता है हीलियम जो कि 18th ग्रुप का रहता है। इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन को लिखा है। हाइड्रोजन हीलियम मैंने एक मैजिक नंबर लिखा है ना 2 8 8 18 करके। देखो फर्स्ट पीरियड में टू एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम बस। इसके बाद क्या आता है? हीलियम नियॉन, इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना। ऑर्गन, इसको याद ऐसे करना है। क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन और आखिरी में अन अन ऑक्टियम, इसका नंबर होता है 118। इतने ही एलिमेंट्स होते हैं पीरियड टेबल में। अब देखो क्या क्या बच गया। एक हमारे लेंथेनॉइड्स होंगे जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, कितने कितने होते हैं? 14 14 14 14 नंबर रहते हैं। देखो लिख लेते हैं, सब लिखा है तो इसको भी लिख लेते हैं, यहीं कहीं याद कर लो। मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो लेंथेनाइड्स के बाद चालू होंगे। ठीक है, लेंथेनाइड्स के बाद चालू होंगे क्योंकि लेंथेनाइड्स से यहाँ के बाद चालू होंगे, ग्रुप 3 का ही हिस्सा रहेंगे। देखो इसमें क्या लिखते हैं,
सीने पर नाम परमात्मा समाया, सीने पर नाम परमात्मा समाया, यूं कद कद तब दिल हुआ यार तुम ये भी लूटो। पूरी पूरी टेबल ठीक है। सीने पर नाम परमात्मा समाया, यूं कदकद तब दिल हुआ यार तुम ये भी लूटो। काउंट करो 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये 4 ये। देखो अब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन को याद करते हैं। थूको पान उनपे ठीक है, नापो पूरा, एक मिनट एनपी है ना, नापो पूरा अमेरिका, काम बाकी काफी ऐसे, काम बाकी कैफे काफी ऐसे, फेमस मैडम नोबल ला रही, फेमस मैडम नोबल एल आ रहा है आखिरी में ला रही, ये 14 14 करके ऐसे याद करना है। देखो पूरे तुम्हारे सामने 118 एलिमेंट्स है। अब मैंने 7 पीरियड के यहाँ कुछ एलिमेंट्स नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे मैं रीजन बताता हूँ। अब देखो ये सब लिखने का क्या रीजन था, ये सब लिखने का क्या रीजन है समझो। मैंने क्या बताया था, यहाँ मैं इरेज कर दूंगा, मैंने एक मैजिक नंबर बताया था 2 8 8 18 18 32 32, इतने ही काम के इसके आगे 50 50 72 72 होते हैं, ये मैंने बताया था। तो देखो मैजिक नंबर का यूज करके हम किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। वेट निकालना तो पता है, नंबर पर चल के उसका डबल कर देना है। तो देखो 2 को छोड़ के अगर हम यहाँ चालू करें, समझना मेरी बात, 2 को छोड़ के देखो अब मैं ये हटा देता हूँ ना, पीरियड्स ग्रुप जगह कैसे बनेगी चलो देखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। देखो मैं पहले यहाँ पे एक साइन लगाता हूँ एस ब्लॉक में, यहाँ पे लिखता हूँ एस ब्लॉक में स्टार्ट फ्रॉम 8। क्या मतलब है इसका कि देखो 2 छोड़ के 8 से स्टार्ट करो, समझना बात को, मैं बताते जाता हूँ तुम लोग करते जाओ। पहले लाइन का याद कर लो कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम, इसका 1 2 शुरू का तो याद ही रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक के एलिमेंट सभी को याद रहते हैं। अब क्या करना है देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एक एरो बनाता हूँ, प्लस माइनस करो, यहाँ से चालू करो 8, जो आंसर आए उसमें फिर 18 ऐड करो, जो आंसर आए उसमें फिर 18 ऐड करो, फिर जो आंसर आए उसमें 32 ऐड करो, फिर जो आंसर आए उसमें 32 ऐड करो, सबका एटॉमिक नंबर लिखो वही होगा। क्या बता रहा हूँ मैं कि 2 और 8 छोड़ के यहाँ चालू करना है। जो समझ पा रहा होगा मैं बता रहा हूँ एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है। फर्स्ट लाइन याद कर लो सबकी, उसके बाद क्या करो कि एस ब्लॉक में कहाँ 8 से चालू होगा, जैसे होता है ना मैजिक नंबर, 2 को छोड़ दो यहाँ से एस ब्लॉक चालू होगा, ऐड करते जाओ, बात को समझ गए। देखो 2 को मैंने छोड़ दिया, अब 8 ऐड करो, 8 फिर यहाँ 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32, करो जल्दी से, देखो यहाँ कितना नंबर आ रहा है वही आएगा। 8 3 11 होता है, सोडियम का 11 होता है, 11 और 8 19 होता है, इसका 19 होता है, करके देखो। जब तक मैं एक बार यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, अब बाकी खुद करना, खाली मैं लिख दे रहा हूँ। पी ब्लॉक के लिए क्या करना है, एरो बनाया मैंने फिर से मैंने एरो बनाया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एस ब्लॉक के लिए था ठीक है, अब पी ब्लॉक के लिए यहाँ से चालू होगा, ये दोनों क्रॉस, पी ब्लॉक के लिए यहाँ से चालू होगा मैजिक नंबर। क्या बोल रहा हूँ, 2 और 8 को मत काउंट करना, 8 से चालू करना यहाँ पे, 8 18 18 32 32, देखो
5 + 8 करना, जो आंसर है उसमें 18 करना, फिर जो आंसर है उसमें 18 करना ऐड, फिर जो आंसर है उसमें 18 ऐड करना, बस ये आ गया, उसमें 32 ऐड करना, ऐसे ऐसे चलना है, और डी ब्लॉक का जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर्स कैसे याद रखोगे, ऊपर की लाइन याद रखना, सबको याद रहता है 10th तक, उसके बाद अगर पी ब्लॉक के हैं तो पूरे ग्रुप से याद कराए मैंने, तो क्या करोगे 8 2 और 8 छोड़ के बाकी 8 18 18 32 32 ऐड करोगे आ जाएगा, करके देखें, करके देखते हैं। तो देखो 8 + 3 कितना हो गया, सोडियम का 11, बहुत ज्यादा छोटा लिख रहा है इसलिए थोड़ा वो लग रहा हो, लेकिन बात को समझो, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 18 कितना हो गया 37, चेक करो पीरियड टेबल खोल के, यही दिया हुआ है, 37 और 18 कितना हो जाएगा, 37 और 18 कितना हो जाएगा, काउंट करो 55 हो जाएगा, सीजियम का 55 होता है, 55 + 32 करो कितना होगा 87। देखो सबके एटॉमिक नंबर आ गए ना, तुमको याद तो नहीं रहता सीजियम का क्या होगा फ्रांशियम का क्या होगा, लेकिन तुमको ग्रुप याद है और पता है कि ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसको 8 से चालू करना है, 2 काट के 8 से चालू करना है, तो बाकी सबका 1 का पता है, 3 बाकी सबको ऐड कर दो, तुमको फ्रैक्शन का एटॉमिक नंबर 2 मिनट में पता चल जाएगा, ऐसे यहाँ करके देखना, ऐसे यहाँ करके देखना, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा ना, एस ब्लॉक में ऐसे ही करना है, ये दोनों क्या है हमारे एस ब्लॉक, और यहां से यहां तक क्या है पी ब्लॉक, ये क्या है पी ब्लॉक, तो देखो ये 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 18 कितना हो जाएगा करो 31, 31 18 कितना हो जाएगा 49, 49 32 करो कितना हो जाएगा 49 ही है ना 81 हो जाएगा। देखो सबके एटॉमिक नंबर आ गए ना 2 मिनट में, ऐसे तुमको थोड़ा पता है इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या, भूल जाओगे, लेकिन अगर तुमको ग्रुप याद है कि बाल गंगा इन तिलक वाला 13 ग्रुप है, और उसमें मेरे को ऐड करना चालू करना है 2 और 8 छोड़ के पी ब्लॉक को ऐड करना, ये टेबल ये बना लेना, एस ब्लॉक वाले मतलब फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को क्या करना है 2 बस काटना है 8 से चालू करना है, और पी ब्लॉक वालों को क्या करना है 2 और 8 काटना है फिर आगे से चालू करना है 8 18 18 32 32, सबके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे, यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ, वैसे कुछ डाउट वाले है नहीं, खाली मैं समझा उसको, करते जाओ। क्या करो एक नोट बना लो, एक ऐसा पीरियड टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख लो अच्छा रहेगा, याद हो जाएगी, पूरा मैंने बता दिया एंटरटेनमेंट। देखो और मैं बताता हूँ, अभी अभी और बताता हूँ, ये वाली लाइन इनकम्प्लीट है ना, देखो ये वाली लाइन इनकम्प्लीट है, कल मैंने 100 से लेके 118 तक याद करवाए थे ना, यहाँ से 100 चालू होता है, कहाँ गया देखो, कहाँ है ये मेंडल, कहाँ गया भाई, मेंडल को नोबेल प्राइज मिला था ना, ये है मेंडल MD, मेंडल नोबेल ला रहा है ना, मेंडली और कौन सा, मेंडल नोबेल ला रहा और रदरफोर्ड डूबा सी में, ये वही तो है, देखो गिनना, मेंडल नोबेल ला रहा, ये लिख लो अच्छा, फिर मैं बताता हूँ पूरे हंड्रेड एंटेनमेंट से करा दूंगा मैं, क्या लिखना है एस ब्लॉक में लिखो कि 2 और 2 को कट करके बाकी सब काउंट करना है एटॉमिक नंबर के लिए, और पी ब्लॉक के लिए मतलब 13 से लेके 18 तक ग्रुप के लिए क्या करना है 2 और 8 कट करके नेक्स्ट 8 से लेके 32 तक काउंट करना है, ऐसे काउंट करते जाओ तुमको सबका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, इसके लिए भी करा सकते हैं पर मत करो भूल जाओगे ना, खाली एस और पी ब्लॉक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इनका याद आया तो ज्यादा अच्छा है, इतना या इतना करो जल्दी से, बाकी इसको इरेज करके ऊपर लिख देते हैं, एस ब्लॉक के लिए मैंने क्या बताया कहाँ से चालू करना है 2 8 8 18 18 32 32, ये होता है, तो बस क्या करना है 2 को कट कर देना है, ऐसे कट कर दो यहाँ से एटॉमिक नंबर के लिए चालू कर देना, अगर हाँ देखो अगर क्वेश्चन आया पूछा कि इन फ्यूचर कोई 8th ग्रुप यहाँ पे 8th या 9th ग्रुप आया गया, समझना कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बोला बोला कि 7 पीरियड होते हैं लेकिन इन फ्यूचर में 8th पीरियड अगर होता है, या ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर पीरियड टेबल में 8th पीरियड से 9th पीरियड होते तो बताओ जो फर्स्ट ग्रुप का वहां पे जो एलिमेंट आता उसका एटॉमिक नंबर क्या होता, कैसे करोगे, यहाँ देखो कहाँ तक आए 32 तक आए ना,
इसके नीचे 32 और कर दोगे कितना आएगा, फिर उसके नीचे क्या करोगे 50 करोगे जो मैंने मैजिक नंबर बताया था। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं कराऊंगा। तो बस याद रखना है नंबर 50 50 होता है उसके बाद, है ना। पर जनरली यहाँ तक हो जाता है हमारे। पी ब्लॉक में देखो क्या करना था, एटॉमिक नंबर के लिए 2 8 8 18 18 32 32, ये मैजिक नंबर कहलाता है, अच्छे से पढ़ाया मैंने। 2 कट कर देना और 8 कट कर देना, बाकी यहाँ चालू करोगे ये जो मैंने किया है। इससे तुमको एस ब्लॉक के पूरे ये दो ग्रुप के फर्स्ट सेकेंड और 13 से लेके 18 ग्रुप तक के एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। हो गया ना याद करना, रटना नहीं है, बस तुमको ग्रुप याद करना है कि ये 13th जो हमारा ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कहे सीता जी सुन पार्वती एलिमेंट्स आते हैं। फिर कहे ऊपर की एक लाइन याद कर लेना, बाकी सब में ऐड करते जाना, ऐसे बताना है ना क्वेश्चन। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, समझना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कल मैंने बताया था ना, 100 101 102। मैं बता रहा हूँ ना, 100 के ऊपर मैंने कुछ याद कराया था। ये क्या है, मेंडल नोबल ला रहे हैं। उसके बाद देखना रदरफोर्ड थे ना, मेंडल नोबल, यार यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। देखो मेंडल नोबल ला रहे हैं, अब यहां से देखना, रदरफोर्ड आर एफ, डूबे को डी यू, सी में को, सी को कैसे लिखते हैं, किस साइन से लिखा हुआ है, एस जी से। एनसीईआरटी में एक बार साइन देख लेना ना सबके, जो मैंने कल ट्रिक लगाई थी ये। ट्रिक यहां से कंटिन्यू होगी, बहुत हस, एच एस एम टी, हस मत है ना, बहुत हस मत, 10 रंग का कोई नहीं, फ्लावर बताए थे ना, 10 रंग का कोई नहीं, नहीं फ्लावर एफ एल, मैक लवर 10, ओ जी। देखो पूरे तुमको 118 एलिमेंट्स याद हो गए, ये 118 होता है, इसको अनऑक्टियम भी बोलते हैं, 118 भी बोल सकते हो। ये क्या हो गया 118, ये पी ब्लॉक हटा दो। देखो पूरे मैंने एक एक एलिमेंट्स तुमको काउंट करवा दिए ना, को बहुत सारे पीरियड टेबल में नहीं दिए हुए हैं। आज तक हिस्ट्री में इतने ही एलिमेंट्स फाउंड हुए हैं, जितने बोर्ड में लिखे हुए हैं इतने ही एलिमेंट्स हमको आज तक मिले हैं। पूरे दुनिया में इतने 118 एलिमेंट्स होते हैं, पूरे काउंट करो 118 मैंने करा दिया। तो देखो मेरे को क्या पता चला, ये 100 101 102 कल मैंने याद कराया था ना, मतलब ये 103 होगा, ये 104 होगा, ये 105 होगा, ये 106 होगा, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 14, 115, 116, 117। कुछ छूट गया क्या बीच में? कोई तो छूट गया है, चलो इसको हटाओ, मैं बाद में करा दूंगा, कोई यहाँ पे छूट गया है, पीरियड टेबल में चेक करेंगे। और कुल मिला के क्या पता चला, इतने ही 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। अब देखो मैं कुछ पॉइंट्स कराने वाला हूँ, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। देखो अब हमको क्या याद रखना है कि 18th ग्रुप से ना हम वापस पलटते हैं। कैसे पलटते हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद फिर वापस कहाँ होगे, 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, इस तरह एटॉमिक नंबर याद रख। 13 यहाँ खत्म होगा तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, देखो 31, 32, 30, 34, 35, 36, 36 यहाँ खत्म हुआ, देखो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, देन 49, 50, 51, 52, 53, 54। मतलब कहने का मेरा क्या मतलब है कि अगर तुमको लास्ट एलिमेंट याद है ना, ये सब एलिमेंट्स याद है, इनके एटॉमिक नंबर याद है, क्या क्या मैंने याद कराए थे ना, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। तो देखो यहाँ से पलटना है, क्या पलटना अगर तुमसे पूछता कि इन फ्यूचर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 128 है, समझना बात को, इस टाइप का अगर क्वेश्चन बने, मैं देख रहा हूँ सही कि नहीं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इन फ्यूचर, मेरी बात समझना, इन फ्यूचर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 128 है, प्योर टेबल समझो, जिसका नंबर 128 है, तो वो किस पीरियड में आएगा, किस ग्रुप में आएगा, तो कैसे करोगे, आओ देखो। 118 हमारे पूरे एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियड टेबल में। अब 118 कौन सा है तुम्हारा, 18, यहाँ से वापस से पलट दो, 119 यहाँ आएगा, 8 पीरियड में आएगा है ना, 118 यहाँ खत्म हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 128 यहाँ आएगा। तो देखो क्या पता चला हमको, 128 यहाँ आएगा तो किस ग्रुप का है, 11th ग्रुप का पार्ट है ना, 11th ग्रुप आखिरी से तो पहले का 11th ग्रुप का पार्ट है। ऐसे निकालते हैं, 11th ग्रुप 7 पीरियड। अगर तुमसे पूछता 142 बताओ, इमेजिनरी क्वेश्चन, ये लेंथ एंड डेक्राइड में हटा देता हूँ ना, अभी वापस से लिखेंगे, देखो समझ जाओ पीरियड टेबल क्या होती है, फिर पढ़ने मजा आएगा। अगर तुमसे पूछता है कि 128 कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, 140, 140 कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, तो बताओ वो किस पीरियड में आएगा, किस ग्रुप में आएगा। और भी तरीके हैं लेकिन अभी फिलहाल पीरियड टेबल से कैसे निकालोगे दिमाग लगा के, कि मेरे को 18th ग्रुप के बाद वापस से पलटना होता है, तो 118 यहाँ खत्म हुए, तो अगर मेरे को 114 का पता लगाना है कि कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ 140, तो किस पीरियड में है, किस ग्रुप में आएगा, तो देखना 118 यहाँ खत्म हुआ, वापस आ जाओ 119 है ना, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 130, 134, 135, 136, जस्ट बताने के लिए लिख रहा हूँ, आ जाओ 137, 138, 139, 140। देखो 140 यहाँ खत्म हुआ ना, मतलब 9th पीरियड में होगा हाइपोथेटिकल, और 140 कहाँ पे आ रहा है, देखो फोर्थ, फोर्थ ग्रुप, तो क्या आंसर होगा, फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और 9th पीरियड। देखो पीरियड टेबल का पहले इंपॉर्टेंट समझो कि कैसे चीजें अरेंज है पीरियड टेबल में, कैसे अरेंज है कि हम क्या करते हैं कि पहले हम 1 से लेके यहाँ से चालू करते हैं, फिर आखिरी तक जाते हैं 18 तक, फिर 18 से वापस पलटते हैं, फिर पूरा रन करते हैं, फिर वापस यहाँ आते हैं। इतना समझ गए तो फिर कई सारे क्वेश्चन ना ऐसे ही कर लोगे, जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसका आंसर यहीं से देना। देखो एक क्वेश्चन है, करो ये, एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर बिस्मथ, पीआई कहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, ये हालांकि लिखा ही हुआ है कौन सा डिस्कवर्ड हुआ है, तो एक काम करो, डिस्कवर्ड आफ्टर रेडियम कर लो ये, देन फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर, देन फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर। देखो अच्छे लेवल क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे ही करना है ना, इसीलिए पीरियड टेबल लिखी है। ये क्वेश्चन मेरे को फाइंड करके बताओ, कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है, दिमाग में सोचो इमेजिनरी है ना, रेडियम के नीचे है ना, एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर रेडियम, मतलब इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ यहाँ पे नीचे, देन फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बताओ, एक पीरियड टेबल लिखी हुई है, दिमाग लगाओ। कोशिश करो दिमाग लगाओ,
किसी को समझ में आया? देखो नहीं आया तो मैंने ये मैजिक नंबर क्यों लिखे हैं, ये सब मैजिक नंबर होते हैं ना, मैजिक नंबर से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, और ये वाला भी रेस कर देते हैं, ये हम बता चुके हैं कैसे करना है। मैंने क्या बताया, जो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक कौन होता है, ग्रुप वन और ग्रुप टू वाले, इनमें क्या यूज करना है हमको, टू कट करके आगे वाले मैजिक नंबर यूज करना है, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो आओ करके देखो, पहला लाइन लिख लो, उसके बाद करके देखो, फोर में ऐड करो कितना, और फिर कितना ऐड करना है फोर में, मेरे को कहाँ गया एस ब्लॉक, ये 8, देन फिर 8, जो आंसर है उसमें फिर 8 ऐड करो, जो आंसर है उसमें फिर कितना ऐड करो 18, जो आंसर है उसमें कितना ऐड करो 18, जो आंसर है उसमें क्या ऐड करो 32, मैजिक नंबर ना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेडियम के बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है, आफ्टर रेडियम यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका 32 यहाँ काउंट करोगे, 32 के बाद क्या आता है फिर 32, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें 32 फिर ऐड कर देना, यही तुम्हारा आंसर होगा। करके देखो जल्दी जल्दी से करो, सिंपल मैथ है, दिमाग लगाओ। अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं ना तो थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो मैं बताता हूँ, तो देखो यहाँ मैंने 8 ऐड करा है एटॉमिक नंबर के लिए, तो 8 4 12, मतलब मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है, 12 और 8 कितना हो गया 20, कैल्शियम का 20 है, 20 और 18 कितना हो गया 38, स्ट्रॉन्शियम का 38 है, देखो वैसे 37 का 38 आएगा, 55 के बाद क्या आएगा 56, ऐड करके देख लो, 87 के बाद क्या आएगा 88, ऐड करके देख लो 56, 32, 88 ही होगा। अब 88 के साथ क्या करो, वापस से 32 यहाँ ऐड करके देखो, जो आएगा आंसर वही तुम्हारा ये आंसर होगा, मैजिक नंबर का यूज करके कितना आ रहा है, ये एक्स एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, 8 और 2 कितना हो गया 10 है ना, और 8, 9, 10, 11 और 1, 12, 120 क्या आंसर होगा, एटॉमिक नंबर उसका 120। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, इस तरह सॉल्व किया, और थोड़ा और दिमाग लगा लेते तो क्या कर लेते, 118 यहाँ खत्म होता है तो 1920, तो जो आता यहीं पे आता, तो पीरियड टेबल से खेलना सीखो है ना, इसलिए इतना सारा लिखा मैंने। देखो इतना मेरे को ऐड करना पड़ा एटॉमिक नंबर नहीं याद, जिसको थोड़ा भी समझ में आ गया होगा तो ये समझा होगा कि 118 मतलब यहाँ के बाद मेरे को वापस पलटना है, तो 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, ये क्या पूछ रहा है कि रेडॉन के बाद, रेडियम के बाद कोई डिस्कवर्ड हुआ उसका एटॉमिक नंबर बताओ, 118 यहाँ खत्म हुए हैं, 19 फ्रांशियम के नीचे आएगा 119, 120 यहाँ आएगा, खुद से ही सॉल्व हो जाता, अब इसके नीचे का आएगा 121, यहाँ 122, 123, अगर पूछता तुमसे कि बताओ किसी भी के नीचे ही पूछ लेगा तो पता चल जाएगा ना, समझ में आ गया क्या बताना चाहता हूँ मैं। चलो अब इसको खत्म करते हैं, पीरियड टेबल समझ में आ गई होगी, समझो कि पीरियड टेबल लिखे हुए है ना, जैसे देखो करा दिया हूँ काफी है, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर की पहली लाइन के एटॉमिक नंबर याद कर लो, बाकी सबको ये ट्रिक लिखी हुई है, डी ब्लॉक से मैं नहीं करना है, मैं अलग से बताऊंगा डी ब्लॉक में क्या करना है। ये एस ब्लॉक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक है, 13 से लेकर 18 तक कौन से है पी ब्लॉक, और बीच के क्या बचे 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक। अब चलो बहुत हो गए, रेस करते हैं, अब मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ, क्या बताना चाहता था यहाँ तक, इसमें कोई डाउट वाली तो बात ही नहीं है। कल याद है मैंने एक टेबल लिखाई थी रात को, कल परसों क्लास में बोला था ये समझ के आना, इसका मतलब क्या है, यहाँ मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, इसको लिखे रहने देते हैं ठीक है, इसको ये सब हटा देते हैं, मतलब तो समझ गया हो ना। अब देखो थोड़ा ना डिपेंड करता है दिमाग पे कैसे चला रहे हो, अगर देखो तुमसे इसका एटॉमिक नंबर पूछेगा, टंगस्टन इसका, मॉलिब्डेनम का पूछ लिया, तो कितना होगा 38, 39, 39, 40, 41, 42 होगा, तो थोड़ा भी याद है तुम सीरीज में कर सकते हो, यहाँ तक मैंने बताया, ये पूरा मैंने ट्रिक बताई, अगर किसका पूछता, किसी का भी इनमें से पूछ ले तो उसके पहले का एक पकड़ो और यहाँ पे खत्म कर दो, या अगर इस साइड का बस याद है तो यहाँ पे पता होना चाहिए को किस नंबर पे आ रहा है, ये 3 4 बार ना घर जाके पीरियड टेबल अपने कॉपी में, घर ही में तो हो गया, अपने कॉपी में 3 4 बार लिखना है पीरियड टेबल, पहले एस ब्लॉक डिजाइन करना, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक को लेंथ वाइज याद करना है, डी ब्लॉक को ऐसा याद करना है हॉरिजॉन्टल, और इसको भी लेंथ वाइज वर्टिकल याद करना है, पहले दो ग्रुप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल याद करना है, ट्रिक्स मैंने बता दिया, ट्रिक्स में किसी को डाउट हो तो बताओ कैसे याद करना है।
चलो अब इसको इरेज करते हैं। पूरे 118 एलिमेंट्स ना याद नहीं करने, याद खाली क्या करने, फर्स्ट 30 पता होना चाहिए, लेकिन फिर बिना कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो प्रिपेयर होना चाहिए, इसलिए पूरी पीरियड टेबल मैंने लिख दी यहाँ पे। तो देख लो एक बार कैसे क्या हो रहा है, अब समझ जाना कि है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो कर लेना, ग्रुप का है किसी का भी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अरे यार मैंने इरेज कर दिया, दूसरा टॉपिक बताना था। देख अभी तुमको याद होगा कि मैंने क्या लिखा था। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम पीरियड्स, यहाँ पे हम लिखते हैं पीरियड्स, सेल्स। पीरियड्स में कौन कौन से सेल्स हैं? सब सेल्स। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे चीजें कनेक्ट हो रही है, समझना बात को। अभी मैंने क्या बताया पीरियड्स कितने होते हैं अपने, हमारे इधर पीरियड टेबल में 7 रहते हैं ना, 7 लिखे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब थोड़ा इमेजिन करना जो मैंने नहीं बताया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट पीरियड रहता है उधर कितने एलिमेंट दिखे थे? 2 एलिमेंट दिखे थे ना, उनमें कौन सा ब्लॉक होगा? सब शेल खाली एस होगा, याद करो खाली एस होगा, ये तुम लोग को याद करना है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एस में ना एक डब्बा होता है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को बताता है। तो एक हाइड्रोजन का हो गया, दोनों गए तो हीलियम के हो गए, फिर 2 हीलियम का होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखूंगा मैं, एस ब्लॉक में कितने डब्बे होते हैं? एक डब्बा होता है, और एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट पीरियड पूछेगा, फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल नंबर, तो कितने बताओगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में, समझो इस चीज को, फर्स्ट पीरियड में खाली एस एस बस आता है, एस ब्लॉक आता है, एस स्ट्रक्चर आता है, एस स्ट्रक्चर आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड में मैं बोल रहा हूँ एस और पी आता है, एस और पी आता है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक डब्बा इसका, और पी के पास 3 डब्बे रहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, याद करते जाओ। सेकेंड पीरियड में मैंने एलिमेंट्स लिखाए थे ना, पूरा पीरियड और ग्रुप लिखे थे, तो उस सेकेंड पीरियड में टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेकेंड पीरियड लिखा था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछता है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे लिखना है। थर्ड पीरियड में क्या क्या आएगा? थर्ड पीरियड में भी एस और पी आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले जैसे सेम। देखो फिर से मैजिक नंबर डेवलप होगा, समझना मैजिक नंबर का बहुत काम है। फिर देखो थर्ड फोर्थ पीरियड में क्या लिख रहा हूँ, एस पी, फिर मैंने क्या लिखा? डी। टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक डब्बे इसका, 3 डब्बे इसके पी के, और 5 डब्बे डी के, 1 2 3 4 5 कर लेना कैसा भी। तो कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 6 इसमें जाएंगे, और 5 डब्बे इसके, तो 10 जाएंगे ना, तो कितना होगा? 2 10 और 6 कितना हुआ? 18। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। देखो वापस से क्या डेवलप होने लगा हमारा मैजिक नंबर, 2 8 8 18, फिर 18 आएगा। देखना एस पी डी, डी अब परमानेंट हो गया यहाँ पे, मतलब सेम एस पी डी 3। कितने इलेक्ट्रॉन? देखो सेम है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन। कोई तुमसे पूछे के बताओ कि हमारे फोर्थ पीरियड में कितने सबशेल्स होते हैं, फोर्थ पीरियड में कितने सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन आता है? एस पी डी, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, अगेन अब सिक्स देखो। अब समझना एस पी और डी तो था ही, एक नया बॉक्स आएगा एफ। सेवंथ में भी क्या एस था ही, पी डी पहले से था, अब एक नया आएगा एफ। ये क्या इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सीक्वेंस है, ऐसे हमको इलेक्ट्रॉन फिल भी करना है। अभी मैं बताता हूँ, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काउंट करो यहाँ 32 होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे भी 32 इलेक्ट्रॉन्स। काउंट करके देखो, किसी को डाउट है पूछ लो जल्दी, किसी को डाउट हो यहाँ तक पूछो, इलेक्ट्रॉन्स कैसे आया, ब्लॉक्स कैसे आया, किसी को डाउट है जल्दी बता दो। देखो एक कोई डाउट है किसी को? हाँ चलो आओ, देखो कैसे आया होगा, क्योंकि देखो फिर मैं जिसने पुरानी क्लास ले ली वापस से याद दिला देता हूँ। एस में 1 बॉक्स रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने बॉक्स रहते हैं? 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 5 बॉक्स रहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में 7 बॉक्स रहते हैं तो हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऐड करना कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 32 आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया वो वाली बात। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ गौर से करना। देखो क्या लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक एक पीरियड से, उतने उसके एलिमेंट्स भी होते हैं। देखो काउंट करना, अभी जो मैंने एलिमेंट्स लिखाया था, पीरियड टेबल खोलो, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। क्या लिखा मैंने कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक पीरियड में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उस पीरियड में उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इक्वल का साइन क्यों लगाया, कि अगर पूछे कि बताओ 6 पीरियड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 6 पीरियड में, तो क्या याद रखोगे पहले? एस पी डी एफ है ना, सब में इलेक्ट्रॉन भरोगे 32, और 32 इलेक्ट्रॉन है, 32 एलिमेंट्स भी होंगे। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहता है एक पीरियड में, ये इसलिए मैंने टेबल लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग की सीक्वेंस है, अगर किसी को याद हो मैंने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कराया था, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था। चलो ये लिख लो जल्दी से, 2 मिनट है, फिर नेक्स्ट पेज में वही करते हैं। जल्दी से ये नोट कर लो। देखो यहाँ से कुछ चीज समझ में आ रही है, अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहता है तो। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पीरियड जो है हमारा, उसमें एस ब्लॉक डी ब्लॉक कहाँ चालू होता है? देखो डी पहली बार इंटर कहाँ किया है, फोर्थ पीरियड में। अभी मैंने पीरियड टेबल बनाई थी ना, उधर देखना है ना, और डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड, मैंने लिखा था ना वहां पे, फोर्थ पीरियड से मैंने स्टार्ट किया था ना, डी ब्लॉक लिखना। तो देखो फोर्थ पीरियड में पहली बार डी आया है, और एफ पहली बार कहाँ आया? सिक्स पीरियड में। यहाँ क्या लिखोगे, एफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम कहाँ पे, कौन से पीरियड से? सिक्स पीरियड। बस ये याद कर लो सीक्वेंस, एस एस पी एस पी एस एस डी पी एस डी पी, या ऐसे एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, इसी सीक्वेंस में याद रखना, मैं बताता हूँ। चलो 2 मिनट है, 1 मिनट है, जो भी है जल्दी से ये टेबल बनाओ, इम्पोर्टेंट है। चलो मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, लिख लिया होगा। याद क्या करना है, ऐसे याद करो, देखो ये सब छोड़ो, क्या है ये सब छोड़ो साइड वाले, याद क्या करना है, एस एस पी एस पी एस पी डी एस पी डी एस पी डी एफ और एस पी डी एफ, ये सीक्वेंस याद करो ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीक्वेंस याद करो कैसे है, पहले एस फिर एस पी एस पी फिर एस पी डी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ, टोटल 7 होते हैं। कैसे याद करोगे, फिंगर टिप में एस एस पी एस पी
एसपीडी एसपीडी एसपीडीएफ एसपीडीएफ टोटल 7 हो जाते हैं, 7 पीरियड ही होते हैं। ये सीक्वेंस जल्दी से याद करो, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसा? एस एसपी एसपी एसपीडी एसपीडी एसपीडीएफ एसपीडीएफ। ये देखो ये दो दो के तो सेट में है ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो सेट है। एक एसपी, 2 बार एसपी है, 2 बार एसपीडी है, 2 बार एसपीडीएफ है। बस याद क्या करना है, पहले में एस आएगा, एस 1 बार है, बाकी सब 2 2 बार है। चलो मैं इरेज करता हूँ इसका, मैं यूज बताता हूँ। चलो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पेज मिले। नेक्स्ट, किसी कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी चैट में लिख दो या हैंड रेस कर दो, जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूँ। किसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो थोड़ा, मैं बता क्या रहा हूँ। इससे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अभी समझ में नहीं आया ना, आप समझ में आएगा। देखो कैसे, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैंने याद होगा तुम लोग को बताया था, एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। यहाँ लिखते थे लास्ट इनर्ट गैस, करते थे ना ऐसा, फिर यहाँ क्या लिखते थे, एन एस एन पी है ना, N-1D और N-2F, ऐसा करते थे। फिर मैंने क्या बोला था कि N+L रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हर बार इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था, पहले NS में जाता था, फिर N-2F में जाता था, फिर N-1D में जाता था, देन NP में जाता था। इसीलिए सीक्वेंस मैंने क्यों बनाया, देखो ये मैंने जो सीक्वेंस बनाया ना बीच का, ये इसीलिए बनाया, ये हमारा इस तरह चलेगा। देखो जो मैंने बनाया पीरियड्स सब शेल, मैं बीच वाला बस लिख रहा हूँ। ये मैंने किस सीक्वेंस बनाया, ये ऐसा चलेगा, सबसे पहले एन एस मतलब एस के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद N-2, ये N+L रूल से होता है, बस अभी सीक्वेंस याद करो। एस के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ में, फिर N-1D में जाएगा, फिर किस में जाएगा, NP में जाएगा। जिसने N+L रूल पढ़ा है उसको समझ में आएगा, और जिसको नहीं आया तो खाली ये सीक्वेंस याद रखो, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग। और इसका हिसाब कैसे याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे एस, अभी जो मैंने बताया एस एस पी एस पी एस पी डी एस पी डी देन एस पी डी एफ और एस पी डी एफ। अब समझो बात को, मैंने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है, मैंने क्या बताया, पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, उसके बाद एफ में जाएगा, देन डी में जाएगा, पी में जाएगा। तो देखो उसी हिसाब से मैंने सीक्वेंस लिखा, पहले एस में जा रहा है, जब तक डी नहीं आ रहा एस पी में जा रहा है, एस पी में जा रहा है, डी आ गया तो पहले एस में जाएगा, डी में जाएगा, फिर पी में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस है, क्या है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ये मैं याद दिलाता हूँ कैसे, कि देखो अगर डी नहीं है तो इसका कैसे जाएगा, एस में जाएगा, डी में जाएगा, फिर पी में जाएगा। यहाँ पे अब एफ आ गया तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पहले एस में, एफ में, फिर डी में, फिर पी में। यही तो लिखा है मैंने, पहले एस लिखा है, फिर एफ लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर पी लिखा है। बाकी N-2 क्यों, N-क्यों क्यों है मैंने बताया था पहले, जिसने नहीं पढ़ा तो खाली याद कर लो, फिर मैं बताऊंगा। तो देखो अब करना क्या है, मैंने याद करो बताया था तुम लोगों को, ये लास्ट जो 18th ग्रुप है उसको याद करके रखा करो, 18th ग्रुप को याद कर लो। क्या याद कर लो, वो पीरियड किस पीरियड में आता है, और उसका जेड क्या है मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, किस पीरियड में आता है, एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, एक सेकेंड आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और अननोप्टियम। समझने की कोशिश करो ना, मैं समझ के समझा पढ़ाता हूँ, थ्योरीज नहीं पढ़ानी, समझ के चलो। तो देखो ये कौन सा पीरियड है, 1, अभी पूरी लिस्ट इसीलिए पीरियड टेबल बनाई थी ना, अभी इस समय डाउट नहीं होने चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पीरियड लिखे थे ना मैंने, फिर 8, ये 10th ग्रुप जो आखिरी वाला वो लिख रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता था मैंने याद कराया था ना, 2, 10, 18, खाली 2 भी याद है तो 8 8 ऐड करते जाओ तो आ जाएगा, पर याद करो डायरेक्ट 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ये होते हैं हमारे ग्रुप 18 के एटॉमिक नंबर। जल्दी से एक बार रिवाइज करो, मैं बताता हूँ क्या काम है।
अब समझना मेरी बात, अगर तुमको ये याद है ना, समझना। अब देखो कितनी जल्दी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर तुमसे बोला कोई एलिमेंट है, कौन सा एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 26 है ना, ये नहीं बताया कि कौन सा, बता रहे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। कोई 26 एलिमेंट है, क्वेश्चन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। आ जाओ, 26 कहाँ आएगा, दिमाग लगाओ, 26 कहाँ आएगा। नोबल गैस याद है ना, मैंने बताया था 26 कौन से ग्रुप में आएगा। देखो 26 कहाँ आएगा, 18 यहाँ कहीं आएगा, 26 इस लाइन में, मतलब कौन से पीरियड में आ रहा, फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में आ रहा है ना, फोर्थ पीरियड के लिए क्या था, एस एस पी एस पी एस पी डी 1 2 3 4। फोर्थ पीरियड में क्या आ रहा था, एस डी देन पी। तो देखो देखो, ये पहले मेरे क्या करना था, एक बॉक्स में क्या करना है, पहले वाला मैंने बताया था ना, उसके जस्ट ऊपर वाले का करना है ऑर्गन, कितना 18। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो 26 होगा उसका 18 पहले से फिल होगा, फिर 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ कहीं आएगा, तो 18 उसमें ऑलरेडी फिल है, मैंने पहले से लिख लिया है। फिर यहाँ क्या लिखूंगा, देखो क्या आता है, जो मैंने सीरीज याद कराई थी, एस एस पी एस पी एस पी और डी, ये देखो 1 2 3 4 पीरियड पे ये आ रहा है ना, डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखोगे, एन एस एस डी को क्या लिखते थे, एन माइनस वन डी, और पी को क्या लिखते थे, एन पी। इतना याद हो गया, समझ में आ गया। बस अब इलेक्ट्रॉन भर दो, 18 भर चुके, 26 भरना है, तो 18 और 2 इसमें जाएंगे, और ये देखो ऑर्गन 18, और ये किस में आया, फोर्थ में आया ना, तो इसको लिखो 4s, एन की जगह 4 आ जाएगा, 4 में 1 गए तो 3d, और इधर कितना आएगा, एन फोर्थ पीरियड में है तो 4p। इलेक्ट्रॉन भर दो, 18 भर दिए, 18 और 2 कितना हो गया, 20, और 10 10 ज्यादा हो जाएगा ना, 18 और 2 20 हो गया, कितना बनना है, 26, तो 6 यहाँ चले जाएंगे, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन 18 4s2 3d6, ये 0 है तो मत लिखो। देखो ऐसे करते हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन और होता, बोलता कि बताओ कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, जो बिल्कुल भूल चुके हैं उनके लिए एक बार लिख देता हूँ, जो नोबल गैस के थ्रू, ये क्या होता है, नोबल गैस, 18 थ्रू नोबल गैस एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ बॉक्स में लिखता हूँ इसको, लिखते हैं हम लोग इसको, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक बॉक्स बनाते हैं, उधर लिखते हैं लास्ट इनर्ट गैस। जैसे अभी हमने 26 लिया था, 26 फोर्थ यहाँ कहीं आ रहा था, तो फोर्थ वाइल पीरियड में आ रहा था, मतलब थर्ड पीरियड का उसका जो 18 है, ये लास्ट एटॉमिक लास्ट नोबल गैस होगा, तो इसको लिखेंगे, मतलब जो हम जिस लाइन में है उसके ऊपर वाला लास्ट ये कहलाता है, उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। फिर यहाँ क्या लिखते थे, एन एस एन माइनस 2f, ये सीक्वेंस से लिख रहा हूँ मैं, एन माइनस 1d और एन पी, ये जो मैंने ऊपर लिखा था, ये कहलाता है हमारा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी का यूज करके मैं लिख रहा हूँ। अब 80 आया, तो 80 सोचो कहाँ पे आएगा, जल्दी दिमाग लगाओ, 80 ये पीरियड्स लिखे हुए हैं, कहाँ पे आएगा, किस पीरियड में आ रहा है 80, देखो यहाँ कहीं आएगा 80, इस लाइन में 6th पीरियड में आएगा 80 है ना, 6th पीरियड में आएगा, तो 6th पीरियड का पहला वाला कौन है, ज़ीनॉन। ज़ीनॉन का मतलब जहां भी 86 आएगा उस पे कम से कम 54 इलेक्ट्रॉन तो फिल है आउट ऑफ 86, इसलिए मैं बॉक्स बना के क्या लिखूंगा, 54 54 कौन है हमारा लास्ट, ज़ीनॉन। ये अब यहाँ पे मेरे को कौन सा इसमें से भरना है, इसके लिए क्या यूज करना है, 6th नंबर पे क्या आता था, एस एस पी एस पी एस पी डी एस पी डी, 6th नंबर पे क्या आएगा, एस पी डी एफ, यहाँ पे मेरे को क्या भरना है, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ को किस फॉर्म में भरूंगा, एन एस, तो किधर आ रहा है, 6th में आ रहा है, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, 6s 6s है ना, इस फॉर्म में देखो, एन एस फिर लिख रहा हूँ, एन माइनस 2f पूरा भरना है ना, एस डी पी एस एफ डी पी आ रहा है, तो एस एफ फिर एन माइनस 1d फिर एन पी, बस एन की जगह 6 रख दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6th पीरियड में आ रहा है, एन की जगह 6 रख के देखें, यहाँ पे इसको इरेज ऊपर का यही करते हैं, तो यहाँ पे देखो
6s हो जाएगा, 6 में 2 गया कितना 4f हो जाएगा, 6 में 1 गया कितना तो 5 5d हो जाएगा, और कितना 6p हो जाएगा। 54 है हमारे पास, हमको 80 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो भर दो, 80 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो भर दो। जगह ही नहीं है यार। ये याद रखना, आओ यहाँ पे करते हैं। मैंने क्या भर दिया, ज़ीनॉन कर दिया है मैंने, इसका 54 है ना। आ जाओ, एन एस मतलब यहाँ पे 6s है, एन माइनस 2f मतलब 4f, और एन माइनस 1d 5d, और एन पी मतलब 6s, क्योंकि एन यहाँ पे क्या है 6 है ना, 6 केज में आ रहा है। हाँ, 80 भरने हैं हमको, 54 55 56, यहाँ 14 आएंगे, कितना हो गया 54 और 2 56, और 10 कितना कितना हो गया 56, और 10 66, और 4 70, और 10 ये हो जाएगा 80, काउंट कर लो, और 6p0, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। इतने जल्दी होगा, थोड़े बात समझ गए तो इतनी जल्दी होगा, और भी क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, फिलहाल इतना समझ के अच्छी बात है। देखो 80 हो गए, काउंट करो, 54 तो हमने ले लिए थे, 54 10 कितना हो गया हमारा 64, और 2 कितना हो गया 66, और 4 70, और 10 80। यहाँ सही है क्या, यहाँ तक डाउट है किसी को, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो आगे भी समझ में नहीं आएगा, जल्दी बताओ। सर एक बार एक्सप्लेन कर दिए। हाँ मैं कर देता हूँ, सभी रेस करते हैं, वापस से एक्सप्लेन करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ना। देखो 11 में खाली दो ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बॉन्डिंग, बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको समझ लोगे ना तो 12th भी समझ में आएगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको दो चीज याद रखना है, किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करे बिना तो केमिस्ट्री सॉल्व नहीं होती है। अभी मैंने जो ट्रिक बताई वो कई जगह काम आएगी। पहला मैं बता रहा हूँ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कैसे काम आ रहा है, पहले ही मैंने बताया था, लेकिन वहां पे कई लोग को एन प्लस एल रूल समझ में नहीं आ रहा था, एन प्लस एल रूल ना समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने क्या बता दिया कि फर्स्ट पीरियड में खाली एस ब्लॉक रहता है, जो पीरियड यही लिख रहा हूँ, तो सेकेंड में एस और पी सब चला जाते हैं, थर्ड में एस और पी ही रहते हैं, फोर्थ में एस पी और नया डी आ जाता है, फिफ्थ में एस पी और डी यही रहता है, सिक्स में नया एफ आ जाता है, एस पी डी और एफ आ जाता है, और सेवन्थ में भी यही एस पी डी, अपने इसमें चार ब्लॉक ही रहते हैं ना उस हिसाब से। तो अगर फर्स्ट पीरियड का जितने मैंने पीरियड टेबल बनाई थी, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स रहते हैं, दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उधर क्या आएगा, खाली एस आएगा, समझना बात को। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स रहते हैं, मैंने लिखे थे ना जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने एलिमेंट, कौन कौन से रहते हैं काउंट करना, तो उन 8 जो एलिमेंट्स रहते हैं सेकेंड लाइन में सेकेंड पीरियड में, उनमें कितने ब्लॉक्स आएंगे, कोई क्वेश्चन पूछ ले के बताओ, सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स रहते हैं, उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना, या कौन से ब्लॉक्स होंगे आउटर शेल वाले, तो कौन होंगे एस और पी होंगे, थर्ड में भी खाली एस और पी होंगे, और फोर्थ में एस पी डी हो जाएंगे, फिफ्थ में एस पी डी हो जाएंगे, सिक्स में एस पी डी है, सेवन में एस पी डी है, इतना समझ में आना चाहिए। यह सीक्वेंस है किसका, हमारे पीरियड्स का, जो हमारे पीरियड्स उसमें इतने इतने ब्लॉक्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ये ब्लॉक्स का सिस्टम समझो पहले। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मेरे को करना है कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, 80 अभी जैसे लिया था, चलो अब 30 ले लेते हैं, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 30, इसका मेरे को करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने क्या बताया था उस दिन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे अच्छा तरीका होता है नोबल गैस से कर लो तो अच्छा रहता है, तो नोबल गैस के लिए क्या करते हैं, नोबल गैस के लिए बाय नोबल गैस करते हैं, नोबल गैस लिखा भी नहीं रहना, जब भी कर लो कॉन्फ़िगरेशन आसान पड़ता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, क्या कहते हैं, हम एक बॉक्स लेते हैं उसमें लास्ट इनर्ट गैस लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, एन मैंने बताया था एन एस है ना, एन माइनस डी, वो एन एस एन मैंने कैसे लिखा था, एन एस एन पी देन डी देन एफ, लेकिन हम यहाँ पे इस सीक्वेंस में लिखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एन प्लस एल रूल पहले से लगा दिया है, तो यहाँ पे एन एस एन क्या है, जो ये जैसे 30 कहाँ पे आएगा, 30 यहाँ कहीं पे आएगा, तो 30 किस पीरियड में आ रहा है, फोर्थ पीरियड में, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पीरियड नंबर है, जिस भी एलिमेंट का क्वेश्चन पूछेगा उसका जो पीरियड होगा एन की जगह वो लिखना है,
फिर एफ में क्या लिखना है, एन माइनस टू एफ। मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा रहा, मैंने बताया था ना एस से एफ हमेशा दो कम रहता है, और डी कितना कम रहता है, वन कम रहता है, तो वन एन माइनस वन डी, और एन के इक्वली पी रहता है एन पी। हालांकि एन पी एन एन साथ में रहते हैं, लेकिन हमने मैंने क्या कर दिया, एन प्लस एल रूल पहले से लगा दिया। ये सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद क्या करना है, सीक्वेंस नहीं भी याद होगा तो ये इसी के बराबर, देखो ना ये यही तो लिखे हुए है, एन एस एन माइनस टू एफ एन डी एन माइनस वन डी और एन पी। ये तो मैक्सिमम मैंने लिख दिया, जितने भी भरेंगे हम वहां रुक जाएंगे। जैसे 30 का हमको करना है, ठीक है 30 समझना, 30 का हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, देखो जल्दी से सोचो। फोर्थ पीरियड में आ रहा है ना 30, मतलब फोर्थ पीरियड में कितने ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरना है, एस पी और डी में भरना है। ये मेरे को यहीं से पता चल रहा है, क्योंकि फोर्थ पीरियड में 30 यहाँ कहीं आ रहा है, तो मेरे को पता है कि लास्ट 30 के ऊपर वाला कौन है, यहाँ पे 30 आएगा तो लास्ट कौन है, ऑर्गन, नोबल गैस। तो यहाँ ब्लॉक में क्या लिखूंगा, ऑर्गन, और ऑर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18, यही उसका एटॉमिक नंबर है, कहीं भी लिख दे, यहाँ 18 लिख देते हैं, याद रहे जिसमें। फिर क्या करना है, यहाँ कितने डब्बे आएंगे, बॉक्स कितने आएंगे, ब्लॉक सबसे देखो फोर्थ में कितने एस डी पी, इसी सीक्वेंस में आएंगे ना, एस डी और पी। अब ये देखो एन एस एन माइनस टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको थोड़ी सी चीज याद है क्या, कि एन क्या होता है, सबसेल होता है, ए ब्लॉक पीरियड्स होता है। तो ये देखो 30 फोर्थ पीरियड में आ रहा है, ये 4S होगा और 4P ही होगा, और डी एस से कितना कम रहता है, डी जो रहता है एस से एक कम रहता है, तो ये अगर 4 है तो ये डी कितना हो जाएगा, 3D। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला लिखो, एन एस एन कहाँ गया, एन डी और पी आ रहे हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, एन एस को एन एस लिखते हैं और डी को कितना लिखते हैं, एन माइनस वन डी, और पी को कितना लिखते हैं, एन पी। तो यही तीन बॉक्स आ रहे हैं ना, टोटल बॉक्स की बात कर रहे हैं, सबसेल कितने आ रहे हैं, यही मैंने ऊपर लिख दिए। देखो 18 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, एक डब्बा रहता है, तो 2 20 है ना, कितने बनने हमको 30, तो 10 इसमें आ जाएंगे, 30 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गन। इससे और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देखना ना, खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ। ये हो गया 30 का जो जिंक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी भी किसी को डाउट है तो बता सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ना। चलो 2 3 में होमवर्क देता हूँ, करके लाना और खुद मैच कर लेना। क्या है ये सब समझोगे नहीं ना, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा जो हमको इफेक्ट वगैरह पढ़ने हैं। 2 3 होम करके आना, 56 का करना, ये सब लिखा हुआ है, 112 का करके आना, 82 का करना, 35 का करना, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आना, ये इसी तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये बॉक्स दिए हुए हैं, कौन कौन से सबसेल आते हैं किस ब्लॉक में, 7 पीरियड में कितने सबसेल आते हैं, एस डी पी इस अरेंजमेंट में आते हैं, इस अरेंजमेंट में आते हैं, इसी अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, चेक कर लेना कौन से नंबर कहाँ आ रहे हैं। चलो खत्म। देखो मैं अच्छे लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, तो डरना नहीं, थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ साथ में, जब भी हार्ड वाले क्वेश्चन बनेंगे। इसके क्या 2 3 और यूज है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा, और इसके बाद डायरेक्ट इफेक्ट्स पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ना, बहुत बेसिक पढ़ लिया, चैप्टर्स भी खत्म करने हैं। चलो खत्म, अभी फिलहाल खत्म करते हैं, फिर हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बेसिक बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल समझ में आ गया ना सबको, एंड कर रहे हैं, ठीक है 10 मिनट बाद दूसरी क्लास है।
और देखो 12th की मैं जीओसी पढ़ा रहा हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बताना भूल गया था। तुम लोग का भी सेम टॉपिक है ना, 11th का ही टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th वाले भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने वहाँ काफी कुछ पढ़ा दिया, फिर भी चलो अब एंड करें, ये करके आना कल, है ना, ये करके आना, होमवर्क है इसको करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये बना हुआ था पूरा टेबल जो भी था।